हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ प्राजक्ता निकम. और आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज मैं माइलेज टेस्ट करने वाली हूँ. बहुत टाइम से आप सब लोग पूछ रहे थे कि माइलेज कितना है. तो सो फाइनली आज माइलेज टेस्ट होगी. आई होप मैं चला रही हूँ तो 25 के आगे मुझे माइलेज मिले ट्रैफिक में भी और हाईवे पे भी. सो देखते हैं कि अपने को कितना माइलेज मिलता है. तो बने रहे मेरे वीडियो के साथ और वीडियो एंड तक ज़रूर देखना कि ड्यूक 250 का जेन 3 का माइलेज कितना आता है. सो मैं आ गई हूँ अभी पेट्रोल पंप पे. यही पेट्रोल पंप था जो मेरे घर से सबसे नज़दीक था, तो यहीं से फ्यूल अप कर लेते हैं. नहीं पता कि कितना फुल भरना चाहिए, जितना मुझे समझ रहा है उतना मैंने भर दिया है. मैंने अभी तक ट्रिप सेट नहीं करी है जीरो पे, तो आगे जाके साइड में ले लेते हैं और ट्रिप सेट करते हैं. और अभी अपना टोटल किलोमीटर हो गया है 536 किलोमीटर. कभी जाएंगे, देखते हैं आगे का पेट्रोल पंप कितना दूर है, फिर वापस अपन फिल अप करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे कि कितना माइलेज आता है. और ट्रैफिक में भी चला के देखेंगे और हाईवे भी चला के देखेंगे और माइलेज कितना है अपन चेक करेंगे आज. तो अभी देखते हैं ट्रिप सेट करने आती या नहीं आती मुझे. लेट्स ट्राई. ट्रिप इन्फो पे गए ट्रिप 1. तो अभी अपना हो गया है ट्रिप 0 पे सेट. ये की होल्ड करके रखनी थी ट्रिप सेट करने के लिए. तो अभी ये हो गया है 0.0 किलोमीटर. तो चले राइड स्टार्ट करते हैं. तो मैंने टारगेट रखा है 35 किलोमीटर का. उसके बाद जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म होता है, जो भी पेट्रोल पंप आएगा, मैं वापस फिल अप कर लूँगी. अभी एक पेट्रोल पंप दिखा मुझे, अभी जाते हैं पेट्रोल पंप पे और देखते हैं कि कितना किलोमीटर चली है और फिर कितना माइलेज निकला है. तो अभी हम भर देते हैं पेट्रोल, देखते हैं कि कितना ऐड होता है. अभी अंकल ने तो भर दिया है, आंटी ने इतना कम क्यों भरा था. सो अभी कैलकुलेट करते हैं. अपना पेट्रोल ऐड हुआ है 2.02 लीटर. तो अभी एक पेट्रोल पंप पे रुकी थी मैं और अभी टंकी भर दिया है पूरा. तो अभी अपन कैलकुलेट करते हैं कि अपना माइलेज कितना है. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी ऑलमोस्ट, मैंने सब तो और सिटी में ही चला है तो मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है नहीं माइलेज की. बट फिर भी देखते हैं चेक करके. और आप सबको पता है कि मैं अभी बिगनर हूँ, अभी मैंने स्टार्ट करा है तो बहुत मुश्किल है खुद से कि 28-30 का एवरेज निकालूँ. तो अभी देखते हैं अपन कितना माइलेज आया है अपना. तो अपने को पेट्रोल लगा 2.02 लीटर पेट्रोल बैठा फुल करने के बाद. और अपनी बाइक चली है 36.2 किलोमीटर. तो अभी अपन इस पर कैलकुलेट करते हैं कि कितना किलोमीटर चली. 36.2 किलोमीटर और फिर इसको डिवाइड करते हैं 2.02 से. तो अपना माइलेज आया है 17.92, मतलब नियर अबाउट 18 का माइलेज मिला है मेरे को. 18 का माइलेज. ओह गॉड, मतलब ये कार के बराबर है. तो आप डिसाइड करो आपको कार चलानी है या ड्यूक चलानी है. बट मेरे हिसाब से कि लड़के अच्छा बाइक चलाते हैं, कुछ लड़कियां भी अच्छी चलाती है. वो तो मुझे खुद से एक्सपेक्टेशन है नहीं ज़्यादा माइलेज का और मैं सोचती भी नहीं हूँ ज़्यादा.
आप सबकी रिक्वेस्ट थी तो मैंने निकाल दिया सिटी ट्रैफिक का माइलेज। अभी हाईवे पे जाएंगे, अभी देखेंगे और बाद में वापस निकालेंगे। ठीक है, अभी इतना दूर आया है तो सोचा ज़रा आगे भी जाके आती हूँ। तो अभी जाऊँगी मैं लोनावड़ा और टाइम बचा तो एम्बे वैली में भी जाऊँगी और थोड़ी पहाड़ों की सैर करते हैं। आई होप वहाँ पे बारिश होगी, पुणे में तो इतनी गर्मी और इतनी धूप है ना, बट आई होप उधर बारिश मिलेगी। तो मिलते हैं आगे लोनावड़ा में, बाय। सो फाइनली वी आर इन लोनावला। लोनावला पुणे से है 64 किलोमीटर और मुंबई से है 96 किलोमीटर। इसको सह्याद्री का गहना भी कहा जाता है। कहते हैं कि मुंबई के जो गवर्नर थे लॉर्ड एल्फिंस्टन, इन्होंने लोनावला खंडाला की खोज करी थी। देखा जाए तो आइडियल टाइम यहाँ आने का है अक्टूबर से मई तक, पर मेरे जैसे लोग बारिश में आना पसंद करते हैं। यहाँ पे देखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स है, जिसमें आते हैं लायंस पॉइंट, टाइगर पॉइंट्स एंड भूशी डैम। और उसके बाद केव्स भी है दो तीन और फोर्ट्स भी है, जैसे कि लोहगढ़, बिसापुर एंड राजमाची फोर्ट। यहाँ पे रास्ता काफ़ी अनइवन है और अपने बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है, सो बहुत डर डर के चलानी पड़ रही है। बट यहाँ पे लोकेशन काफ़ी अच्छा दिख रहा है और गर्दी भी नहीं दिख रही है, तो लेट्स गो इनसाइड। और धूप इतनी ज़्यादा है और बारिश बिल्कुल भी नहीं है, जो सोच के मैं आई थी वैसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और ये गर्मी अभी मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे व्यू काफ़ी अच्छा दिख रहा है और क्राउड भी बिल्कुल भी नहीं है, तो यहाँ पे आराम से बैठ के मैगी चाय एंजॉय कर सकते हैं। ऑर्डर मैंने दे दिया है खाने का, तब तक फोटो वोटो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आ गई है अपनी चाय, अभी मस्त चाय इंजॉय करते हैं। चाय का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ गया। इसके बाद हमने मैगी भी ऑर्डर करी है, मैगी का टेस्ट मुझे पसंद नहीं आया, हल्दी ज़्यादा हो गई थी इसमें। और भज्जी भी मैंने ऑर्डर करी थी। सो अभी खाना वाना हमारा हो गया है, सो थोड़ा चिल करते हैं, बैठते हैं आराम से और फिर निकलते हैं। के फूड एंजॉय कर ही रही थी, उतने में तवेरा का सीन हो गया। भाई साहब ने ढलान पे कार पार्क कर दिया था, वो भी बिना हैंडब्रेक लगाए हुआ। ऐसा नहीं था कि वो नौसिखिया ड्राइवर दिख रहा था, काफ़ी एक्सपीरियंस लग रहा था। एंड थैंक गॉड आगे जाके कार पत्थर के पास जाके अटक गई एंड कार में कोई भी नहीं था सिवाय उनके सामान की। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि घूमने जाओ, एंजॉय करो, बट एंजॉय करने के नाम पे खतरों के खिलाड़ी ना बनो। मैंने नीचे जाके देखा तो काफ़ी लोग उनके हेल्प कर रहे थे, शायद 8-9 लोगों का ग्रुप होगा और सब सेफ है। और एंड दे हैव इन्फॉर्म्ड रेस्क्यू टीम और वो आती ही होंगी, और जैसे ही वो आएंगे तभी वो कार बाहर निकालेंगे। पता नहीं, ये तो बहुत हार्ड दिख रहा है ऊपर खींचने के लिए, आई डोंट नो कैसे निकालेंगे अभी। यहाँ से मैं निकल रही हूँ एम्बे वैली के लिए, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। मुंबई से अगर देखा जाए तो 120 किलोमीटर है और पुणे से 90 किलोमीटर। ये एक ऐसा टाउनशिप है जिसको डेवलप किया था सहारा इंडिया परिवार ने। यह प्रोजेक्ट पूरे 10,600 एकड़ में बनाया हुआ है एंड इट्स फर्स्ट इंडियाज इंडिपेंडेंट प्लान हिल सिटी। और इसे खाली रास्ते पे बाइक भगाने से ज़्यादा मज़ा किसी और चीज़ में है नहीं। और इतना डेंजर दिख रहा है यहाँ व्यू, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, बट मुझे बहुत डर लग रहा है आगे जाने के लिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश आने वाली है। इतना अंधेरा हो रखा है, आई डोंट नो इफ़ यू गाइज आर एबल टू सी और नॉट इन द कैमरा, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं मुझे आगे जाना चाहिए। देखते हैं फिर भी थोड़ा आगे, क्योंकि पूरे बादल ऐसे लग रहे हैं कि ज़मीन पे आ गए हैं एंड आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव टू गो अहेड और नॉट।
क्योंकि दो बार मेरे सामने इतनी खतरनाक बिजली कड़की है, उसकी वजह से लिटरली मेरी फट गई है। फाइनली आई हैव डिसाइडेड नॉट टू गो अहेड बिकॉज बहुत ही डेंजर सीन हो रखा है इधर, और बारिश मुझे दिख रही है, आगे से आ रही है, सो आगे जाना इट्स नॉट सेफ फॉर मी बिकॉज मैं अभी बिगनर हूँ, तो मुझे ऐसे स्टंट वंट कुछ करने नहीं है। सो इट्स बेटर टू गो बैक बिकॉज आप देख सकते हो कि पूरे बादल नीचे आए हुए हैं और बारिश भी धीरे 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 नज़दीक आ रही है। सो लेट्स गो बैक। तो दोस्तों, मेरा प्लान था आम्बे वैली जाने का, बट अभी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा बारिश आने वाली है और मेरे को डर लग रहा है आगे जाने के लिए, क्योंकि वापस भी उतना ही जाना है जितना आए हैं, और इतना डार्क दिख रहा है ना हर जगह पे, तो बारिश की भी आवाज़ आ रही है, मेरे को अभी भागना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे चुटकी बजाने के इतने सेकंड में माहौल चेंज हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले पूरा कोहरा था, अभी पूरा क्लियर हो गया। बारिश और बढ़ गई है, अभी कैमरा में दिखेगा नहीं। अभी मैं निकल रही हूँ के लिए, बहुत बारिश है। इतनी बारिश है और नीचे बारिश ही नहीं है, वो पहाड़ पे देख बहुत बारिश है, बहुत पहाड़ है, ऐसा लग रहा पूरा। इतना सारा घूमने के बाद मुझे लग गई है भूख, ज़्यादा हेवी नहीं खा सकते क्योंकि नींद लग जाती है, और बारिश में चाय और वड़ा पाव नहीं खाया तो क्या खाया। सो गाइज, हम वापस टैंक फुल करने वाले हैं, हम वापस माइलेज कैलकुलेट करने वाले हैं, सो देखते हैं कि कितना पेट्रोल लगता है। और सुबह जब टैंक फुल करी थी तभी हमने 36.2 किलोमीटर चलाया था, तो अभी देखते हैं कि कितना किलोमीटर चली है, उससे माइनस करके फिर देखेंगे कि कितना माइलेज आया है। तो अपनी बाइक चली है 153.5 किलोमीटर, जिसमें से हमको 36.2 माइनस करना है, तो टोटल हमने बाइक चलाई है 117.3 किलोमीटर। सो उसको हम डिवाइड करेंगे, अपना टोटल पेट्रोल बैठा है 3.81, सो टोटल अपना माइलेज आया है आज का 30.78, इट मींस नियर अबाउट 31 का माइलेज मिला है। तो हेलो दोस्तों, अभी वीडियो एंड करने का टाइम है, ऊपर इतनी ज़्यादा बारिश थी कि लोनावड़ा में नीचे आए हम लोग, बारिश का एक भी बूंद नहीं। अभी अगर साइड में देखेंगे ना पूरा सूखा है, बारिश बिल्कुल भी नहीं। अच्छा टाइम गया मेरा, और अपनी बाइक भी फर्स्ट टाइम लोनावड़ा आई है, लोनावड़ा विजिट हो गया बाइक का। तो अभी अपन वीडियो ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखो, खुद का भी, दोस्तों का भी, फैमिली का भी, और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो,
और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करना ना भूलो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।